नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आपका स्वागत है एक्सेस भारत में। तो चलते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। तमिलनाडु के कोयंबटूर में 11 नवंबर को 12वीं कक्षा की एक छात्र ने अपने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में स्कूल के प्रिंसिपल की गिरफ्तारी होने पर शोकाकुल परिवार पोस्टमार्टम के बाद बच्ची का शव ले जाने को राजी हो गया। स्कूल के ही एक शिक्षक के बार बार यौन उत्पीड़न किए जाने से परेशान 17 साल की छात्रा ने अपने घर में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। छात्रा के दोस्तों और परिजनों ने चिन्मया स्कूल के शिक्षक मिथुन चक्रवर्ती पर आरोप लगाया था। स्कूल शिक्षक मिथुन चक्रवर्ती के खिलाफ आईपीसी की धारा 306 और पॉक्सो एक्ट की धारा 9LRW धारा 20 के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन बच्ची के माता पिता पोस्टमार्टम के बाद बच्ची का शव ले जाने को राजी नहीं थे। उनकी मांग थी कि स्कूल के प्रिंसिपल को भी गिरफ्तार किया जाए। बच्ची की मां के मुताबिक स्कूल के प्रिंसिपल से शिकायत करने के बावजूद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की और कथित तौर पर उन्हें ही समझाया कि ये कोई गंभीर बात नहीं है, ये वैसे ही है जैसे बस में सफर करते समय कोई टक्कर मार देता हो। छात्रा का शिक्षक से बातचीत का एक ऑडियो क्लिप भी सामने आया था, जिसमें कथित तौर पर शिक्षक को छात्रा से गलत तरीके से बात करते सुना जा सकता है। माता पिता की शिकायत और छात्रा के दोस्तों द्वारा उपलब्ध कराए गए व्हाट्सएप चैट और ऑडियो क्लिप के आधार पर कोयंबटूर आरएसपुरम की आल वुमेन पुलिस ने पॉक्सो धाराओं के तहत मामला दर्ज किया और मिथुन चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना के बाद विभिन्न संगठनों ने बड़े पैमानों पर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें स्कूल की प्रिंसिपल को कथित तौर पर अत्याचार को छिपाने की कोशिश करने के लिए गिरफ्तार करने की मांग की जा रही थी। वहीं छात्रा के परिजनों ने भी छात्रा के शव को तब तक स्वीकारने से मना कर दिया था जब तक प्रिंसिपल की गिरफ्तारी नहीं कर ली जाती। इस बीच रविवार को पुलिस ने स्कूल की प्रिंसिपल मीरा जैक्सन को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद परिवार ने छात्रा का अंतिम संस्कार करने के लिए शव को स्वीकार किया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने ट्वीट किया था कि कुछ मानव जानवरों की विकृति और क्रूरता ने एक जीवन छीन लिया। स्कूल प्रशासन को यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि यौन हिंसा ना हो। हम दोषियों को गिरफ्तार करेंगे और परिवार को न्याय दिलाएंगे। राज्य के शिक्षा मंत्री अंबिल महेश ने परिवार से मुलाकात की और कहा कि जो लोग दोषी हैं उन्हें निश्चित रूप से दंडित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि छात्रों की शिकायत सुनने के लिए एक समर्पित हेल्पलाइन 14417 है। बच्चे जो कुछ अपने माता पिता दोस्तों या शिक्षकों के साथ शेयर नहीं कर सकते वो यहाँ कॉल करें और हम उनकी मदद करेंगे। हम संघर्ष कर रहे हैं कि लड़कियाँ स्कूल जाए। हम सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाए। देखते रहिए खास रिपोर्ट सिर्फ ई भारत पर।